अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने जितना काम किया, जितने भी पेजेस बनाए वो इंतहाई सादा थे। अगर हम अपने पेज को डेकोरेट करना चाहते हैं, हम फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, या इस तरह के दूसरे टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें स्टाइल शीट्स यूज करनी होगी, जिसे हम CSS भी कहते हैं। CSS काम कैसे करती है, तो चलिए देखते हैं। ये जो एक सैंपल पेज आप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये एक बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू सा आ रहा है, ये कलर मैंने चेंज करवाया। यहाँ पर आप फॉन्ट का कलर देखिए, ये कलर चेंज हो गया। इधर देखिए, ये कलर चेंज है, और सिर्फ कलर चेंज नहीं है, इसकी फॉन्ट फैमिली भी चेंज है। ये फॉन्ट फैमिली अलग, ये फॉन्ट फैमिली अलग। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो एक स्क्वेयर जो एनिमेट कर रहा है, और ये एनिमेट CSS से कर रहा है। यहाँ पर देखिए, ये एक होवर इफेक्ट है, जब मैं इस पे लेके आता हूँ तो एक डिव नीचे होवर होके ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक स्क्वेयर तो है, लेकिन राउंडेड कॉर्नर्स के साथ। और इस तरह के बेशुमार काम हम CSS में कर सकते हैं। तो HTML हमारी यूज होगी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और जब उसको हमने ब्यूटिफाई करना होगा तो उसके लिए हमें CSS यूज करनी पड़ेगी। चले जी, कोड की तरफ चलते हैं, कैसे होगा ये काम। एक पेज मैंने पहले से बना के रखा था। अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा कि पी का एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। पी स्टार्ट हुआ था और पी को हमने खत्म करवा दिया यहाँ पर। अभी देखिए जी, वही पुराना आउटपुट जिस तरह से हम देख रहे थे। अब फर्ज कीजिए कि मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं कैसे करूँगा? पी के टैग में आऊंगा, एक एट्रीब्यूट बनाऊंगा स्टाइल का, और स्टाइल को मैं कहूंगा कलर। इसको अभी थोड़ी देर के लिए ब्लू कर देते हैं। अब देखिए, ये कलर ब्लू हो गया। यहां पर अगर मैं रेड लिखूं तो ये रेड हो गया। हमने पी एलिमेंट के अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा स्टाइल का, और उसके अंदर हमने इसे बता दिया कि आपने कलर को रेड करना है। किसके कलर को रेड करना है? जो भी टेक्स्ट अंदर लिखा हुआ है। सिंपल, बहुत सिंपल था। अच्छा, ये जो ये तरीका मैंने आपको बताया है स्टाइल के अंदर कलर लिख, इसको हम कहते हैं इनलाइन कोडिंग। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इनलाइन कोडिंग सबसे गलत अप्रोच है कोड करने की। आपने कभी भी इनलाइन कोड नहीं लिखना। अगर इनलाइन कोड नहीं लिखना तो इसको हम किस तरह से फिक्स कर सकते हैं? तो यहाँ पर आइए, हम अपने हेड के अंदर स्टाइल का एक टैग बनाएंगे, और स्टाइल जब हम शुरू करेंगे इसको खत्म करेंगे। अब हमारा CSS का जितना कोड होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और उसको अपने नीचे कोड में रीयूज करेंगे। किस तरह से? पहले आप समझिए, हमारे पास CSS में काम करने के लिए कुछ सिलेक्टर्स होते हैं। सिलेक्टर्स क्या होते हैं? तीन किस्म के सिलेक्टर्स मैं आपको इस लेक्चर में कवर कराने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब देखिए, इसी कोड को हम मॉडिफाई करते हैं। हमने स्टाइल का टैग यहाँ पर बना लिया अपने हेड के अंदर। ये देखिए, ये हेड शुरू हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, इसी के अंदर मैंने एक स्टाइल का टैग बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा पी। पी के बाद मैंने ब्रैकेट को शुरू किया और बंद किया, और यहाँ पर मैंने लिखा कलर। चलें जी, इसे हम ग्रीन कर देते हैं, और यहाँ से स्टाइल को रिमूव कर देते हैं। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं आता हूँ और ये मेरा कलर ग्रीन हो गया। अब होगा क्या कि मेरे कोड के अंदर जितने भी पी टैग्स होंगे, जहां जहां पर पी लिखा होगा इस पेज के ऊपर,
उन तमाम का कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर मैं एक पी को चेंज करता हूँ, सिंपल ब्लू करता हूँ, तो ये तमाम जो अभी आपको ग्रीन नजर आ रहे हैं ये ब्लू हो गए हैं, सिर्फ एक जगह पे चेंज करने से। ये जो ये पी का टैग है और ये पी का टैग है, आप जानते हैं कि ये पी एक एलिमेंट है, तो ये जो ये मैंने कोट किया पी, ये हमारा एक एलिमेंट सिलेक्टर था। ये याद रखिए, पी डेव बॉडी और इस तरह के बेशुमार और एलिमेंट सिलेक्टर हो सकते हैं, जो ऐसा ऐसा हम इस कोर्स में आगे जाते जाएंगे तो कवर करते जाएंगे। अच्छा, अब फर्ज कीजिए कि जो ये वाली हमारा पैराग्राफ है, इसका कलर आप ब्लैक करना चाहते हैं, लेकिन ये हमने क्लास लिख दी, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, हमने कहा था पी का जहाँ जहाँ पर इस कोड में आपको पी मिले उसको ब्लू कर दो, बट हमें सेकंड वाले पी को ब्लैक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आते हैं, डॉट लगाते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं ब्लैक पी एल के, या फिर हम कह देते हैं पैरा पी एल के, या आप नाम कोई भी रख सकते हैं, पाबंदी नहीं है कि आपने यही नाम रखना है, आप अपनी मर्जी से भी कोई भी नाम रख लें। इसका कलर हम कर देते हैं कलर ब्लैक करें। अच्छा, आप कोड भी दे सकते हैं 00000, ये ब्लैक का कोड है, इसे मैंने सेव करवाया। ये जो मैंने डॉट लगाया है इसको हम कहते हैं क्लास। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं लिखूंगा क्लास वी। अच्छा, इस नाम को मैंने उठाया, कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। यानी ये जो ये मैंने क्लास बनाई है वो मैं इस वाले पी पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब क्या होगा, बाकी तमाम जितने मेरे पैराग्राफ थे वो अभी तक ब्लू है, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ ब्लैक हुआ जिसको मैंने यहाँ पर चेंज करवा दिया। तो ये वाला मैंने आपको सिलेक्टर बताया था, इसको हम एलिमेंट सिलेक्टर कहते हैं, और जब हम डॉट लगाएंगे तो इस डॉट को हम क्लास सिलेक्टर कहेंगे, क्योंकि ये क्लास सिलेक्टर है तो यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट क्लास आएगा। अब हम चाहते हैं जो सबसे आखिरी वाला है वो ग्रीन हो जाए, तो मैं एक और सिलेक्टर आपको बताना चाह रहा हूँ, जो कि हम हैश से लिखते हैं, इसको हम कहेंगे पैरा ग्रीन, नाम मेरी मर्जी का, आप कुछ भी रख सकते हैं, और इसका कलर मैं कहता हूँ कलर ग्रीन, पैरा ग्रीन। अच्छा, अब ये हैश है, सॉरी, अच्छा ये हैश है, तो इसको आप क्लास से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हैश है तो ये आईडी है, यहाँ पर आप आईडी लिखोगे, आईडी और उसका नाम, ये आप नोट करो, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं हैश नहीं डाल रहा, यहाँ पर मैं डॉट नहीं डाल रहा, ठीक है, इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना। ऊपर आपने आईडी बनाई है, यहाँ पर आप आईडी से एक्सेस करोगे, अब देखते हैं जी क्या होता है। ये लें जी, बाकी के सब ब्लू हैं, ये ब्लैक और ये ग्रीन, तो ये हमारा आईडी सिलेक्टर था, एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा वास्ता पड़ने वाला है सीएसएस में इन तीन सिलेक्टर के साथ, तो इसे अच्छे से रख लें। अभी यहां तक समझ आ गई, बहुत आसान था और इसमें कोई ऐसी टेक्निकल बात थी नहीं जो हमें समझ ना आ सके, बस ये ख्याल रखिए अगर ये डॉट है तो इट मीन्स ये क्लास सिलेक्टर है, यहाँ पर आप क्लास लिखेंगे, अगर ये हैश है इट मीन्स ये आईडी सिलेक्टर है, यहाँ पर आप आईडी लिखेंगे, और अगर ये एलिमेंट सिलेक्टर है तो आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, एक और एलिमेंट सिलेक्टर मैं आपको बताता हूँ, बॉडी, यहाँ पर आइए जी, ये एक एलिमेंट बॉडी का एलिमेंट लिखा हुआ है जो शुरू होता है और यहाँ पर आके एंड होता है, इट मींस के
जो काम भी हम बॉडी के एलिमेंट पे करेंगे वो पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई होगा। हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं बैकग्राउंड, और इसका कलर कर देते हैं रेड। बहुत गंदा सा हो जाएगा लेकिन आपको कुछ चीजें नजर आएंगी होती है। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ओह अच्छा, कलर तो चेंज हो गया ना कम से कम। तो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि हमने सीएसएस से काम कैसे करना है, सिलेक्टर्स क्या होते हैं और उन सिलेक्टर्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। मजीद एडवांस चीजें हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।